अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम सिमेंटिक्स और प्रगमेटिक्स के बीच मेन डिफरेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले सिमेंटिक्स और प्रगमेटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं सिमेंटिक्स और प्रोगेटिक्स ये दोनों लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस हैं एंड बोथ सिमेंटिक्स एंड प्रोगेटिक्स स्टडी द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड अ लैंग्वेज यानी सीमेटिक्स और प्रगमेटिक्स ये दोनों एक लैंग्वेज में वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस की मीनिंग को स्टडी करती है बट स्टिल देर आर समिफ्रेंसिस बिटवीन सीमेटिक्स एंड प्रगमेटिक्स सो लेट्स अंडरस्टैंड दम ऑल्सो वी ऑलरेडी मेड डिटेल वीडियोज ऑन सीमैटिक्स एंड प्रगमेटिक्स इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दूस वीडियोज क्लिक द लिंक्स एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स The first difference between semantics and pragmatics is semantics is the study of literal meaning of words in a language. Semantics में हम words के literal meaning यानी yani dictionary meaning को study करते हैं यहाँ पर हम ना context को देखते हैं और ना ही words की expressions को देखते हैं For example, if I say I am feeling a little down today, तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस की डिक्शनरी मीनिंग को ही लेंगे ऑन द अदर हैंड प्रेगमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड अ लैंग्वेज प्रेगमेटिक्स में हम वर्ड्स की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को स्टडी करते हैं जिसको कॉनोटेटो मीनिंग भी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम फीलिंग लिटल डाउन टूडे तो यहाँ पर स्पीकर का मतलब सैड भी हो सकता है और अनवेल भी हो सकता है तो इस सेंटेंस की मीनिंग को हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे सो द फर्स्ट डिफरेंस इज सिमेटिक स्टडीज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स व्हाइल प्रेगमैटिक स्टडीज द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज द सेकेंड डिफरेंस इज सिमेंटिक्स कवर्स वक्सप्रेश मीन सिमेंटिक्स में हम वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस की एक्सप्रेशं को स्टडी करती है

प्रेगमेटिक्स में हमारा फोकस स्पीकर की एक्सप्रेशंस पर होता है सेम एग्ज़ाम्पल को ही लेंगे इफ़ द स्पीकर सेज आई विल सी यू टमोरो तो सी यू सी स्पीकर का मतलब वार्निंग भी हो सकती है और प्रोमिस भी हो सकता है तो इस सेंटेंस की मीनिंग स्पीकर की एक्सप्रेशंस पर डिपेंडेंट होगी कि ये वार्निंग है या मीटिंग है सो प्रगमेटिक कवर्स वट स्पीकर मीन्स एंड यूजिंग द एक्सप्रेशंस द थर्ड डिफ्रेंस इज सिमेंटिक्स कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द मीनिंग दैट कम्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक नॉलेज सिमेंटिक्स में हमारा फोकस एक्सप्रेसिट मीनिंग्स पर होता है यानी हम सिर्फ सर्फेस मीनिंग को ही स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज आस्किंग फॉर अ बुक सो ही विल से कैन आई बोरो यूवर शेक्सपियर बुक तो इस सेंटेंस की मीनिंग हम लिंग्विस्टिक नॉलेज की बेस पर डिराइव करेंगे ऑन द अदर हैंड प्रेगमेटिक्स कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द एपस्टमिक नॉलेज एपस्टमिक नॉलेज से मुराद वो बैकग्राउंड नॉलेज है जो कि स्पीकर के पास भी होता है और लस्नर के पास भी तो प्रगमेटिक्स में शेयर बैकग्राउंड नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी की बेस पर स्पीकर और लिसनर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है फॉर एग्जांपल इफ द स्पीकर से कैन आई बोरो यूवर शेक्सपियर तो यहाँ पर स्पीकर ने ये नहीं कहा कि उसे शेक्सपियर का बुक चाहिए लेकिन लिस्नर ये समझ गया कि वो बुक के बारे में बात कर रहा है ना कि पर्सन के बारे में तो प्रैग्मैटिक्स में एपिस्टेमिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है सो सिमेंटिक्स कवर्स द लिंग्विस्टिक नॉलेज वाइल प्रोगेटिक्स कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द एपिस्टेमिक नॉलेज द फोर्थ डिफरेंस इज सिमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ विजिबल मीनिंग सिमैटिक्स में हम वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस की एक्सप्लिसिट मीनिंग को स्टडी करती है फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इट इज़ रेनिंग हार्ट तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसका मीनिंग भी सेम ही आएगा ऑन द अदर हैंड प्रेगमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनविजिबल मीनिंग्स प्रेग्मेटिक्स में हम वर्ड्स की एम्प्लिसिट मीनिंग को स्टडी करती है फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इट इज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स तो कैट्स एंड डॉग्स ये एक ईडियम है और इसका मतलब है हार्ड रैन तो प्रैगमेटिक्स में हम वर्ड्स की एम्पलेसेंड यानी इनविजिबल मीनिंग को स्टडी करते हैं द फिफ्थ डिफ्रेंस इज सिमेटिक्स इज कंसर्न विद यूनिवर्सल कॉम्पेटेंस यूनिवर्सल कॉम्पेटेंस से मोराद वो लिंग्विस्टिक नॉलेज है जो कि हर इंडिविजुअल पर्सन की माइंड में होता है एक लैंग्वेज से रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से इट्स अ ब्लैक शीप तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और हर पर्सन को इस सेंटेंस की मीनिंग का पता है बट प्रगमेटिक्स इज कंसर्न विद इंडिविजुअल कॉम्फिडेंस प्रैग्मैटिक्स में हम इंडिविजुअल पर्सन की नॉलेज को स्टडी करती है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से ही इज अ ब्लैक हीप तो ब्लैक शिप से मुराद एक विकेट पर्सन है जो कि एक बैट पर्सन के लिए यूज़ होती है तो सिमेंटिक्स में हम यूनिवर्सल कॉम्पिटेंस को स्टडी करते हैं जबकि प्रेगमेटिक्स में हम इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस को भी स्टडी करते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो